कैनरी बर्ड्स की प्रजाति दूसरे पलातू पक्षियों से बिल्कुल अलग और अनोखा माना जाता है उनके गाना गाने की क्षमता के लिए। इस प्रजाति के पक्षियाँ उनके सुंदरता और उनके गीत के लिए जाने जाते हैं और उन्हें 1400 के दशक से पलातू पक्षियों के रूप में रखा गया है। वे कंपेनियन बर्ड्स नहीं है, इसलिए उनको दूर से ही देख के उनका खूबसूरती और गीत का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन इनको आप छू नहीं सकते। इसके लिए इनका महत्व कुछ कम नहीं हो जाता है। वे काफी अच्छे पलातू पक्षी आए। पलातू कैनरीज अपने जीवन काल के पूरा समय पिंजरे में बिताते हैं। ये ध्यान में रखते हुए आपको इनके लिए काफी बड़ा साइज के पिंजरे की बंदोबस्त करना चाहिए ताकि वो खुशी से वहां पे उड़ पाए और अपने साथियों के साथ खेल पाए। और पिंजरे के अंदर अलग अलग जगह पे पर्चेस और टॉयज रखना भी ना भूले। अगर आपको पता ना हो, एक फेमस कार्टून कैरेक्टर ट्वीटी बर्ड भी इसी प्रजाति के पक्षियों से प्रेरित होकर बनाया गया था। इन प्रजाति के पक्षियाँ सैकड़ों वर्षों से बर्ड कीपर्स की पसंदीदा प्रजाति रहे हैं और 200 से अधिक नस्लों में ब्रीड किया गया है डॉग्स की तरह। इन्हें हर एक नस्ल एक विशेष स्किल या अपीयरेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके सदियों के बने लोकप्रियता पलातू पक्षियों के रूप में कम होता चला गया। जब से तोते यानी पैरट्स एंड पैराकिट्स को इंसान पलातू पक्षी के रूप में अपने घर में रखना शुरू किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर तोते कंपेनियन बर्ड्स हैं, इसलिए इनको हाथ में लेके इनके साथ सभी खेल सकते हैं। इनको ट्रेन किया जा सकता है और इनको ट्रिक्स भी सिखाया जा सकता है जो कैनरी के प्रजाति नहीं कर पाते हैं। शायद यही कारण है कि कुछ कैनरी बर्ड्स के प्रेमी और उत्साही आज के समय में उनको फॉरगॉटन बर्ड्स कहते हैं, जिनको आजकल बहुत ही कम घर में एज अ पेट देखा जाता है। अगर आपको एक गाने वाले कैनरी की चाहत है, तब आपको नर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि नर ही मादा को आकर्षित करने के लिए गाते हैं। गर्मियों के मौसम में उनका मोल्टिंग सीजन चलता है, इसलिए वे समय कम गाते हैं। सबसे लंबा और मधुर गीत एक 6 महीने या उससे अधिक उम्र के नर कैनरी से आप सुन सकते हो। याद रखें, कैनरीज के पिंजरे के सामने आईना ना लगाए, क्योंकि ये प्रजाति के पक्षियाँ काफी ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं और इसलिए आईने में उनके खुद के परछाई को एक अलग पक्षी समझ के वो उसको खतरे के रूप में देख के खुद बिना वजह स्ट्रेस हो सकते हैं। कैनरीज की प्रजाति में सबसे लोकप्रिय नस्ल है अमेरिकन सिंगर कैनरी, बॉर्डर फैंसी कैनरी और रेड फैक्टर कैनरी। करीबन सभी कैनरी की प्रजाति गाना गाते हैं, पर अमेरिकन सिंगर कैनरी गाना गाने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। बॉर्डर फैंसी भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है, उसके साथ साथ रेड फैक्टर कैनरी अपने लाल रंग के लिए जाने जाते हैं। ये नस्ल की कीमत इनके रंग के ऊपर निर्भर करता है, अधिक लाल मतलब ज्यादा कीमती। ये प्रजाति के पक्षियाँ कैनरी आइलैंड से ओरिजिनेटेड हुए हैं। इनका लंबाई 4 से 8 इंच की है और इनका वजन 12 से 28 ग्राम की है। कैनरीज आमतौर पर पीले होते हैं, लेकिन वे लाल, नारंगी, सफेद, गुलाबी और भोरे रंग के जैसे कई रंगों में भी पाए जाते हैं। ये पक्षियाँ 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। आप इनको अपार्टमेंट में आराम से रख सकते हो। ये प्रजाति एकदम लाउड नहीं होते हैं और इनका मधुर गीत सुन के आपके पड़ोसी को भी आनंद मिल सकता है। ये देखने में काफी सुंदर है। वे इंडिपेंडेंट पक्षी है, इसलिए आपको उनको समय देने की कोई जरूरत नहीं है। कंपेनियन बर्ड्स नहीं है, यानी इनको पिंजरे से निकाल के आप इनके साथ खेल नहीं पाएंगे। ये प्रजाति काफी टेरिटोरियल भी होते हैं। नर मादा को आकर्षित करने के लिए गाना गाते हैं और इनको उड़ना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए एक बड़े पिंजरे की आवश्यकता होती है इनको रखने के लिए। इनका कुछ खास एबिलिटीज नहीं है गाना गाने के सिवाय। बात नहीं कर पाते, कोई ट्रिक्स भी नहीं सीख सकते। इनको पिंजरे से निकाल के आप इनके साथ खेल नहीं सकते हो। इनको इंसान की कंपनी की जरूरत एकदम नहीं पड़ती है, इसलिए अगर आप एक बिजी लाइफ में पेट बर्ड्स का आनंद लेना चाहते हो, जो आपके घर में खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहे और आपको दूर से ही अपने खूबसूरती और गाना सुना के आनंद दे, तो ये प्रजाति के पक्षियाँ आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आपको इनके डाइट के बारे में जानना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें, जहां पर मैंने इनके डाइट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है।